अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फासिल एंड वेलकम टू द लीनियर अलजेब्रा। स्टूडेंट, आज हम लीनियर अलजेब्रा के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। स्टूडेंट, देखते हैं कि ये लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होते हैं। स्टूडेंट, बेसिकली हमारे पास एक ऐसा सेट ऑफ फैक्टर होगा जिसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे और उसका जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो होगा, हम उसको लीनियर इंडिपेंडेंट कहेंगे। ये था एक शॉर्ट टर्म इसकी जो डेफिनेशन थी। चलिए डिटेल में बात करते हैं। स्टूडेंट, लेट किया हमारे पास वी एफ जो है बी आ वेक्टर स्पेस, बी आ वेक्टर स्पेस एंड वी इज इक्वल टू अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री अप टू सो ऑन अल्फा एन, बी आ फाइनाइट फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट, हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस क्या थी? स्टूडेंट, ऐसा वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए हमने 10 प्रॉपर्टीज़ की थी। तो हमारे पास V जो है वो एक वेक्टर स्पेस है और उस वेक्टर स्पेस में से कुछ हमने एक सेट उठाया जो कि फाइनाइट सेट था वेक्टर्स का, ठीक है। बी आ फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स, then alpha 1, alpha 2 up to so on alpha n are said to be linearly independent, then a1 अल्फ़ा वन प्लस ए टू अल्फ़ा टू। स्टूडेंट, यहाँ हम लिखते हैं वेन एवर ए वन अल्फ़ा वन प्लस ए टू अल्फ़ा टू प्लस ए थ्री अल्फ़ा थ्री अप टू सो ऑन ए एन अल्फ़ा एन इज इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए वन ए टू अप टू सो ऑन ए एन बिलोंग्स टू फील्ड, ठीक है। स्टूडेंट, this implies that a1 is equal to a2 is equal to a3 is equal to up to so on an is equal to 0. स्टूडेंट, ये है वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, लीनियर इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन है कि वी एफ एक आपके पास वेक्टर स्पेस था, उसमें से आपने v का एक सेट लिया जो कि फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स था, उसका आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। लेट्स सपोज हमारे पास v एक ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अप टू सोन अल्फ़ा एन, इनको हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट कहना है। कब? जब आप ए वन अल्फ़ा वन ए टू अल्फ़ा थ्री प्लस ए थ्री अल्फ़ा थ्री अप टू सो ऑन ए एन अल्फ़ा एन का जो आंसर है वो ज़ीरो के इक्वल हो। और ए वन ए टू और ए एन क्या हैं स्टूडेंट? फील्ड में से हमने स्केलर्स लिए हैं, ठीक है। ये स्केलर्स हैं, ये हमारे पास स्केलर्स होंगे। और अगर इसका आंसर स्टूडेंट ज़ीरो आता है तो इसका क्या मतलब होगा कि बेसिकली हमने ए वन ए टू ए थ्री के लिए आंसर निकालना है कि उनका आंसर क्या है। तो डेफिनेटली अगर ए वन ए टू ए थ्री का आंसर क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो तभी ये लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल होगी, बिकॉज ये हमारे पास जो सेट ऑफ वैक्टर्स हैं वो नल वैक्टर्स नहीं है। तो नल वैक्टर्स नहीं है तो इट मीन्स कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में एटलीस्ट वन एलिमेंट को क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। तो हम इनको तो बोल नहीं रहे कि ये ज़ीरो हैं, ये नल वेक्टर्स नहीं हैं। हो भी सकते हैं लेकिन हम ये कहेंगे कि ये नहीं है। बहुत कम चांसेस, अगर मैं आपको वेक्टर स्पेस की कंडीशन में दे दूं कि वी एक नल वेक्टर है तब तो आप कह सकते हैं। अदरवाइज़ जब कुछ नहीं लिखा, और इन जनरल हम जो क्वेश्चंस लेते हैं वो सारे के सारे हम क्या लेते हैं, मानते हैं कि ये नॉन या नल वेक्टर नहीं है। तो डेफिनेटली फिर हमारे पास जो स्केलर्स हैं उन्हीं को ज़ीरो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इस लीनियर इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए कि हमने जो स्केलर्स हैं उनके जो आंसर्स हैं स्टूडेंट वो क्या करने हैं? ज़ीरो करके दिखाने हैं। आई रिपीट कि आपने सेट ऑफ वेक्टर्स लिया, एक वेक्टर के अकॉर्डिंग आपने हर स्केलर को लेट करना है। लेट्स सपोज हमारे पास अगर ये सेट ऑफ थ्री वेक्टर्स हैं तो आपने जो ए वन ए टू और ए थ्री का काम करना होगा। अगर ये n टाइम्स तक हैं वेक्टर्स तो आपने ए एन स्केलर्स लेने हैं फील्ड में से, और उनके लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है। लीनियर कॉम्बिनेशन में से स्टूडेंट हम ए वन
से लेकर an तक की वैल्यूज़ को ज़ीरो दिखाएंगे। अगर हम ये ज़ीरो दिखाने में कामयाब हो गए तो हम क्या कहेंगे कि फिर अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, अप टू सो और अल्फ़ा एन लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलवाएंगे। यानी कि आंसर्स निकाल किसके रहे हैं, स्केलर्स के, और बोलेंगे किसको, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू सेट ऑफ वेक्टर्स को हम कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। स्टूडेंट इसी में लीनियर डिपेंडेंट का केस भी आता है। अब लीनियर डिपेंडेंट के केस में क्या होगा स्टूडेंट, इफ एनी ऑफ ए आई डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, या हम इसको लिखते हैं इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ स्केलर्स डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, देन द वेक्टर्स आर कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक हो गया स्टूडेंट। यानी कि अगर आपकी जो स्केलर्स हैं उनमें से कोई एक ए आई ज़ीरो के इक्वल ना हो तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो इक्वल नहीं होने वाली। तो ये इस केस में हम क्या बोलेंगे, गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स क्या हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हैं। या हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट कि अगर गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स के जो सारे स्केलर्स हैं वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आते, ये एटलीस्ट एक एलिमेंट है, क्योंकि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो फिर ना हुआ। अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, एक थ्योरम है। अब यहाँ हमारे पास स्टूडेंट जो डेफिनेशन लिखी वो हमारे पास जो मोस्टली जो हमारे पास सेट ऑफ वैक्टर्स होंगे वो कम अज़ कम तीन या तीन से ज़्यादा के वैक्टर्स हमारे पास सेट गिवन होंगे। अब हमारे पास जो एक थ्योरम है स्टूडेंट, मैं एक थ्योरम का रिजल्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये थ्योरम हमें जस्ट अगर दो वेक्टर्स गिवन है, एक सेट ऑफ वेक्टर है v, उसमें अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू गिवन है, ठीक है, वो अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू हो सकता है थ्री डायमेंशन में हो सकता है टू डायमेंशन में हो। मैं टपल्स की बात नहीं कर रहा, मैं डायमेंशन की बात नहीं कर रहा, मैं सेट ऑफ वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। अगर हमारे पास दो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, बिकॉज ये जो कॉम्बिनेशन की जो डेफिनेशन है स्टूडेंट वो तीन या तीन से ज़्यादा के वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। इफ वी हैव टू सेट ऑफ वेक्टर्स देन व्हेन वन वेक्टर कैन बी वन वेक्टर कैन बी रिटन इन द स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अदर देन वेक्टर्स आर कॉल्ड linearly dependent vectors, otherwise linearly independent. For example student, हमने कहा कि दो vectors हैं, उनको लीनियरली डिपेंडेंट कब कहेंगे, जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सके। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अल्फ़ा और बीटा आपने सेट ऑफ वेक्टर्स लिए, बिकॉज ये दो वेक्टर्स थे वो वी एफ से लिए, तो दो सेट ऑफ वेक्टर्स के लिए स्टूडेंट कितने स्केलर होने चाहिए, दो होने चाहिए। एंड ए बी बिलोंग्स टू एफ, ठीक है, ये फील्ड से हमने लिया, तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया स्टूडेंट ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन जब हम स्टूडेंट बना लेंगे तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सके। अब डेफिनेटली स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, हमने कहा लीनियरली डिपेंडेंट हैं,
तो लीनियरली डिपेंडेंट होने का मतलब क्या कि स्टूडेंट एटलीस्ट वन ऑफ इट्स एलिमेंट, हो सकता है दोनों के दोनों भी जीरो हो सकता है कोई एक जीरो हो, ठीक है। तो हो, अब यहाँ पर देखें, एटलीस्ट वन ऑफ एलिमेंट इज नॉन जीरो, देन दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट। तो अब ये देखिए, अगर हम कंसिडर करें कि ए जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, तो फिर अल्फ़ा को लिखा जा सकता है स्टूडेंट, ए अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी बी, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू बीटा, ठीक है। ये एक रिजल्ट है कि अगर एक वेक्टर, अब कन्वर्स भी कर सकते हैं बात, कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है, तो हम कहेंगे कि ये दो वेक्टर्स आपस में, यानी कि ये दो वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। या अगर मैं कहूँ कि अगर दो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो आप ये कहेंगे कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है, यानी कि बात ऊपर से करेंगे और नीचे से भी करेंगे रिवर्स, ठीक है। इसी तरह से दूसरा केस ये भी हो सकता है स्टूडेंट, कि अगर बी जीरो के इक्वल नहीं है, तो फिर क्या होगा, बी बीटा इज इक्वल टू माइनस ए अल्फ़ा एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी इंटू अल्फ़ा। तो ये क्या ये सेट ऑफ वेक्टर इसके स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिखा गया, या फिर बीटा अल्फा के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है, तो हम कहेंगे कि दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट व्हेन वी हैव ओनली टू वेक्टर्स। इसी तरह अगर स्टूडेंट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती दो वेक्टर्स की कंडीशन में, तो तब हम क्या कहेंगे कि ये वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। यानी कि अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट में ना लिखा जा सके, तो हम कहेंगे दीज आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का, वो किस तरह से आएगा और हमें क्या प्रूव करना होगा उसमें, उसमें स्टेटमेंट हमें किस तरह से दी जा सकती है। क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, लेट अल्फा वन इज इक्वल टू वन टू थ्री, अल्फा टू इज इक्वल टू वन ज़ीरो ज़ीरो, अल्फा थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो वन ज़ीरो एंड अल्फा फोर इज इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो वन। चेक वेदर दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। ये स्टूडेंट हमें यहाँ पर शो करके दिखाना है कि हमारे पास जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं या फिर इंडिपेंडेंट हैं। और ये स्टूडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स जो लिया गया है, वो जो फील्ड है यानी कि V3, ठीक है, थ्री स्टैंड्स फॉर थ्री टपल्स का स्टूडेंट हमारे पास वेक्टर है, और वो जो वेक्टर स्पेस की जो फील्ड थी वो है R। स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेक्टर्स देखिए स्टूडेंट फोर हैं, तो हम क्या करेंगे, लेट ए वन ए टू ए थ्री ए फोर बिलोंग्स टू R, बिकॉज वेक्टर स्पेस की जो फील्ड है वो R है। यानी कि हम इसको जनरल फॉर्म में इस तरह से लिखते थे, तो F नहीं है, अब हमें R गिवन है। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। कंडीशन हमारे पास क्या है, कंडीशन स्टूडेंट ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू ए थ्री अल्फा थ्री प्लस ए फोर अल्फा फोर को इज इक्वल टू ज़ीरो। ये है स्टूडेंट हमारे पास कंडीशन लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट शो कराने की। जी स्टूडेंट अल्फा ए वन सेम एज इट इज़, अल्फा वन स्टूडेंट हमारे पास क्या है, वन कोमा टू कोमा थ्री प्लस ए टू सेम एज इट इज़ एंड वन कोमा ज़ीरो कोमा ज़ीरो प्लस ए थ्री इंटू ज़ीरो कोमा वन कोमा ज़ीरो एंड प्लस ए फोर इज इक्वल टू ज़ीरो कोमा ज़ीरो वन इज इक्वल टू
ज़ीरो। जी स्टूडेंट, राइट हैंड साइड पर देखिए तो ज़ीरो है। इस ज़ीरो को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ज़ीरो कॉमा ज़ीरो कॉमा ज़ीरो, बिकॉज हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लेकर आए हैं, तो हम जानते हैं कि ज़ीरो कॉमा ज़ीरो बेसिकली नल वेक्टर है, जो कि राइट हैंड साइड पर आपको ज़ीरो नज़र आ रहा था। जी स्टूडेंट देखिए ये किस तरह से मैं इसको ऐड करने जा रहा हूँ। ए वन, ठीक है स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई हुआ, आगे प्लस, ये प्लस ए टू, आगे देखिए स्टूडेंट फर्स्ट टपल में ए थ्री हमारे पास क्या है, ज़ीरो, ए फोर भी ज़ीरो है, तो ये कॉमा, क्लियर हुआ। फिर टू ए वन, अब सेकेंड एलिमेंट देखिए स्टूडेंट, ए टू हमारे पास ज़ीरो है, ए थ्री भी ज़ीरो है, और ए फोर भी हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं ज़ीरो है। अगेन बता रहा हूँ, टू ए वन, और यहाँ आप देख सकते हैं सेट ऑफ वैक्टर्स हमारे पास, ये ज़ीरो, जी स्टूडेंट ये था हमारे पास ए थ्री, ये वन था, और आगे देखिए सेकंड टपल में ए फोर इंटू ज़ीरो, तो ज़ीरो ये हमें मिला। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, थ्री ए वन, थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट ज़ीरो, और ये हमें मिलेगा प्लस ए फोर इज़ इक्वल टू ज़ीरो कोमा ज़ीरो कोमा ज़ीरो, क्लियर हुआ। जी स्टूडेंट कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को देखिए, ए वन प्लस ए टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, टू ए वन प्लस ए थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड थ्री ए वन प्लस ए फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज़ इक्वेशन वन, दिस इज़ इक्वेशन टू, दिस इज़ इक्वेशन नंबर थ्री। जी स्टूडेंट, हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए क्या करना है, जो स्केलर्स हैं उनका आंसर क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। अगर नॉन ज़ीरो आ गया, और नॉन ज़ीरो आया तो हम क्या बोलेंगे उसको, लीनियरली डिपेंडेंट। देखिए अब इसको सोल्व स्टूडेंट किस तरह से करते हैं हम। जी स्टूडेंट, ए टू इज इक्वल टू माइनस ए वन इक्वेशन वन से, इसी तरह से स्टूडेंट ए थ्री इज इक्वल टू माइनस टू ए वन, और इसी तरह ए फोर इज इक्वल टू माइनस थ्री ए वन। मैंने क्या किया स्टूडेंट, एक स्केलर को लेट करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने हर स्केलर को एक और स्केलर में लेट किया। अब अगर लेट करते हैं, बिकॉज यहाँ लेट पर हमारी अपनी सपोजिशन है, हम क्या कर लेट कर सकते हैं, लेट ए वन इज इक्वल टू वन, ठीक है स्टूडेंट, अगर हम वन रखते हैं तो हमें मिलेगा ए टू इज इक्वल टू नेगेटिव वन, ए थ्री इज इक्वल टू माइनस टू, ए फोर इज इक्वल टू माइनस थ्री। जी स्टूडेंट ये आप स्केलर्स की नेचर को देख सकते हैं, इसमें से कोई भी, सारे के सारे स्केलर्स क्या हैं, डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो आए हैं, तो ये क्या कहलवाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट कहलवाएंगे। कब आप चाहें, यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए ज़रूरी नहीं है हर बार कि हमारे पास जो स्केलर्स हैं, एक तो बात यह है कि स्केलर्स सारे नॉन ज़ीरो हैं, कम अज़ कम एक नॉन ज़ीरो होता तब भी हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। कब, अभी भी नहीं बोले, अभी भी ये फुलफिल नहीं हुआ, हम इन स्केलर्स को जाकर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए वन ए टू ए थ्री और ए फोर की जगह पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और चेक करेंगे कि क्या लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आई है, यानी कि इस लीनियर कॉम्बिनेशन की कंडीशन को भी फुलफिल करना चाहिए, चाहे वो ज़ीरो आए हैं चाहे वो नॉन ज़ीरो आए हैं। डेफिनेटली जब ज़ीरो आएंगे तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट और राइट साइड तो ज़ीरो ही बनेगी, लेकिन अगर नॉन ज़ीरो आए हैं तो फिर हम, ये तो पता चल गया कि नज़र भी आ रहा है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, लेकिन इस कंडीशन को फुलफिल भी करना चाहिए, तो तब हम कहेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। क्या सेट ऑफ वैक्टर्स, यानी कि अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर आर सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि हमारे जो स्केलर्स हैं उसमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, यानी कि सब के सब क्या आए हैं, नॉन ज़ीरो आए हैं। अगर कोई एक भी नॉन ज़ीरो होता तब भी हम क्या बोलते, उसको लीनियरली डिपेंडेंट ही बोलते। तो क्रॉस चेक करते हैं, ए वन स्टूडेंट हमारे पास वन था, और वन टू थ्री ये क्वेश्चन का पार्ट है जो क्रॉस चेक कर रहा हूँ, प्लस टू स्टूडेंट हमारे पास माइनस वन आया, और आगे आप देख सकते हैं वन ज़ीरो ज़ीरो और माइनस टू ज़ीरो वन ज़ीरो, और हमारे पास नेक्स्ट है माइनस थ्री ज़ीरो ज़ीरो एंड वन, और राइट हैंड साइड पर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ज़ीरो
कॉमा ज़ीरो कॉमा ज़ीरो मौजूद हैं। जी स्टूडेंट, इसी तरह से वन, आगे देखिए अगला एलिमेंट माइनस वन, ठीक हो गया। आगे एलिमेंट स्टूडेंट ज़ीरो और ये ज़ीरो, ये हमने लिख दिया कॉमा। इसी तरह से टू, ये ज़ीरो होगा माइनस टू, फिर आगे देख सकते हैं ये ज़ीरो और ये वाली टर्म भी दरमियान वाली ज़ीरो ही थी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट थ्री, ये टर्म ज़ीरो है, ये टर्म ज़ीरो है और ये माइनस थ्री इज़ इक्वल टू ज़ीरो कॉमा ज़ीरो कॉमा ज़ीरो। और जी स्टूडेंट, ये मिला ज़ीरो कॉमा ज़ीरो कॉमा ज़ीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी इक्वल आएगी, यानी कि आएगी, डिपेंडेंट के केस में भी आना चाहिए, लेकिन जो स्केलर्स हैं वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए, या कम अज़ कम एक ऐसा स्केलर हो जो नॉन ज़ीरो हो। क्लियर हुआ? यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए भी ये मस्ट है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ज़ीरो ही आए, लेकिन जो स्केलर्स हैं वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए। बात क्लियर हुई? जी स्टूडेंट, इसी तरह से हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट शो कराने के लिए, वो है स्टूडेंट रैंक मेथड। तो स्टूडेंट, हमने रैंक बेसिकली इससे प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से पढ़े थे, हमने उसमें जो फोर मेथड्स थे और हमने बेसिकली थ्री मेथड्स किए रैंक फाइंड आउट करने के। तो अब रैंक मेथड है, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसकी भी जो लीनियरली डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी चेक करते हैं, लेकिन मेथड कौन सा यूज़ करेंगे, हम रैंक मेथड यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, टू कॉमा थ्री कॉमा माइनस वन माइनस वन फोर कॉमा माइनस टू वन एटीन माइनस फोर बिलोंग्स टू वी थ्री आर, शो दैट गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। जी स्टूडेंट, फर्स्ट में मैं आपको रैंक मेथड बता दूं, हमने करना क्या है। स्टूडेंट, हमने लीनियर कॉम्बिनेशन इसका बनाना है। लीनियर कॉम्बिनेशन से उसी तरह से जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ओपन करेंगे तो हमने उसका एक मैट्रिक्स बना लेना है। मैट्रिक्स बनाने के बाद स्टूडेंट हमने रैंक फाइंड आउट करना है, और रैंक फाइंड आउट कितने तरह से किया जा सकता है। स्टूडेंट, हमने डिटर्मिनेंट मेथड भी पढ़ा, हमने एचिलॉन मेथड भी पढ़ा, हमने सिंपल मेथड भी पढ़ा, तो हमारे पास टोटल थ्री मेथड से हम किसी एक मेथड से यहाँ क्या करने वाले हैं, रैंक फाइंड आउट करने वाले हैं। अगर एक इक्वेशन का यानी कि उस मैट्रिक्स का जो रैंक है, हम देख सकते हैं कि ये ऑर्डर थ्री में है, तो अगर उसका रैंक थ्री ही रहा तो हम क्या बोलेंगे उसको, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर उसका जो रैंक है वो थ्री से कम हो गया तो हम उसको बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसकी जो थर्ड रो है स्टूडेंट वो कंप्लीट की कंप्लीट ज़ीरो हो जाएगी अगर रैंक टू आता है। तो हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के अकॉर्डिंग लेट करेंगे, जब लेट की कंडीशन आएगी, जो प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ आप नोट कीजिए, तो उसी तरह की कंडीशन बनेगी। तो हमें ए को ए वन को लेट करना होगा, या ए टू या ए थ्री, आपकी मर्जी है आप किसको फ्री कर रहे हैं। तो उसको जब आप लेट करोगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन है स्केलर्स का वो नॉन ज़ीरो नहीं आएगा। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। लेट अल्फा वन इज इक्वल टू टू थ्री माइनस वन, अल्फा टू इज इक्वल टू माइनस वन फोर माइनस टू, अल्फा थ्री इज इक्वल टू वन एटीन माइनस फोर बिलोंग्स टू वी थ्री आर। ये स्टूडेंट हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, अल्फा ए हम बल्कि ए वन ए टू ए थ्री, ये कहाँ से लेते हैं स्टूडेंट, आर में से लेते हैं। अब कंडीशन के मुताबिक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है स्टूडेंट, तो ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस ए थ्री अल्फा थ्री शुड बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो व्हेन ए वन ए टू ए थ्री
मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, बट कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो स्टूडेंट ए वन ये रहा और अल्फ़ा वन है 2, 3, -1 प्लस ए टू इंटू -1, 4, -1, 4, -2 प्लस ए थ्री इंटू अल्फा थ्री 1, 18, 1, 18 एंड -4 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट ऐड करना है तो 2a1 - a2 + a3 इज इक्वल टू 0, 3a1 + 4a2 + 18a3 इज इक्वल टू 0 एंड -a1 - 2a2 - 4a3 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये मैंने क्या किया, मैंने इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनानी है। लेट किया a इज इक्वल टू 2, -1, 1, 3, 4, 18, -1, -2 एंड -4। जी स्टूडेंट इसका रैंक फाइंड आउट करना है तो आपको याद होगा स्टूडेंट इसका सबसे शॉर्ट जो मेथड है यहाँ यूज़ किया जा सकता है वो है डिटर्मिनेंट मेथड। अगर स्टूडेंट मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ और डिटर्मिनेंट डज नॉट इज इक्वल टू 0 आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि उसका रैंक 3 है। अगर डिटर्मिनेंट उसका 0 के इक्वल आया, इसका मतलब क्या था स्टूडेंट, हमने जब 2x2 में 3x3 में या 4x4 में किया था तो अगर डिटर्मिनेंट स्टूडेंट 0 आता गया तो हम उसको निगलेक्ट करके उससे एक कम का ऑर्डर लेते स्टार्ट करते थे, फिर 0 आता था तो फिर उससे एक और कम करते थे। और मैंने वहाँ पर यह भी आपको बताया कि हम इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी, और अपर या लोअर ट्रायंगुलर दोनों चारों हैं जिससे हम जो मैट्रिसेस हैं वो ले सकते हैं। तो स्टूडेंट हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड, अदरवाइज रैंक किसी भी तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है, हमारे पास दूसरे मेथड्स भी मौजूद हैं। बट अगर आपका जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर है तो डिटर्मिनेंट मेथड इज़ वेरी सूटेबल टू फाइंड द लीनियरली इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब स्केलर मैट्रिक्स आ जाए तो वहाँ स्टूडेंट हम दूसरे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें एचिलॉन मेथड है और सिंपल वे था, तो वो मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास टपल्स 3 हैं और वेक्टर्स भी 3 हैं यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है तो आप उसका डिटर्मिनेंट लीजिए। जी स्टूडेंट यहाँ चेक करते हैं आया कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो डज नॉट इज इक्वल टू 0 आ रहा है या 0 आ रहा है। अगर डज नॉट इज इक्वल टू 0 आएगा तो रैंक कितना होगा, 3। अगर 0 के इक्वल आया तो इसका मतलब क्या है, रैंक 3 से कम होगा, डेफिनेटली वो 2 होगा। ये 2 से भी हम मज़ीद चेक कर सकते हैं बट हम जाएँगे नहीं वहाँ, क्योंकि हमें जस्ट रैंक का ऑर्डर ही देखना है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, कितना हो रहा है हमें ये नहीं देखना। तो 2 × जी स्टूडेंट -16, ठीक है ये कैंसिल हुआ, एंड -(-+) 36 एंड सेकेंड टर्म स्टूडेंट माइनस है तो ये होगा +1 × ये कैंसिल हुआ, ये और ये रो कैंसिल हुई तो -12 एंड -12 ये रहा -(-+) 18। नेक्स्ट स्टूडेंट +(-+) 1 × जी स्टूडेंट -6 एंड +4 तो आंसर देखिए 2 × जी स्टूडेंट ये हमें मिला 20 + 1 × ये हमें मिला 6 + 1 × ये हमें मिला -2 और ये बना 40 + 6 - 2 -2 जी स्टूडेंट और आंसर बना स्टूडेंट 46 - 2 44 जो कि डज नॉट इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि जो रैंक ऑफ ए आया वो कितना आया, 3 ही आया। और अगर रैंक ऑफ ए का जो रैंक है वो चेंज नहीं हुआ तो दिस इम्प्लाइज दैट
दिस इम्प्लाइज दैट गिवन वेक्टर्स अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट. दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. क्लियर हुआ स्टूडेंट? ये था स्टूडेंट रैंक के मेथड से फाइंड आउट करना, मैट्रिसेस के तरीके से फाइंड आउट करना. अब स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है स्टूडेंट, ये जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू ए थ्री अल्फा थ्री इज इक्वल टू जीरो, और हमें अल्फा इस नेचर में दिया गया था इस तरह से. तो स्टूडेंट ये बेसिकली है क्या, आप इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ये इस तरह. तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा वो इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस बनेगा. तो ये क्वेश्चन हमारे पास वेक्टर्स की इस शेप में भी आ सकता है, हॉरिजॉन्टल शेप, और ये वर्टिकल शेप में भी हम इसको लिख सकते हैं. लेकिन जितने भी हमने क्वेश्चंस किए वो सारे के सारे हम इस मेथड में भी लिख सकते हैं. क्लियर हुआ स्टूडेंट? इंशाल्लाह इसी को आगे बढ़ाएंगे. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़.